रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त मुनि विकास खंड के कालोघाट तोक में बनी कालो गधेरे पर जिला पंचायत की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। इस पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से एक दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों का संपर्क कट गया है, जिस कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। खासकर स्कूल के बच्चों को स्कूल जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर इस बरसाती गधेरे को पार करके स्कूल पहुँच रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों को हमेशा डर बना हुआ है कि कहीं उनके बच्चे गधेरे में बह न जाए। भी वहाँ पे क्षतिग्रस्त है, गधेरा काफी आ रखा है, आने जाने में जो है असुविधा हो रही है। और यहाँ पे जो है वो जो पुल था, कम से कम 4-5 गांव का संपर्क जो है अभी टूटा हुआ है। और हमने एप्लीकेशन तो लगा रखी है, देखो कब तक उसमें, और बिना सड़क के होने से जो है काफी मुश्किलें आ रही हैं गाँव में जाने के लिए। फिर भी अभी हमारे 2-4 बुजुर्ग गाँव में रहते हैं, उन बेचारों को आने जाने में बड़ी असुविधा है पुल के चक्कर में। बच्चे बेचारे, उनके माता पिताजी जो है उनको गधेरा पार कराते हैं सुबह स्कूल के लिए, और बेचारे छोटे छोटे बच्चे जो है स्कूल आने में जो है बड़े असमर्थ हैं। भाई, जब मैंने वो पुल टूटा है, जिला पंचायत सदस्य मैंने वो इस चीज़ के बारे में मैंने बात कही थी, तो उन्होंने ये प्रस्ताव बोला था कि भाई प्रस्ताव मैं अपने तरफ से भेज दूंगा, लेकिन भेजा नहीं भेजा, ये तो जो है मैंने वो ये जाने। जबकि वो पुल जिला पंचायत के उसमें आता है, जिला पंचायत की रोड है वो, और वहाँ पे वहाँ से जो है बच्चे भी आते हैं। अब उनके लिए जो है वो तो अच्छा हुआ है, जो मैंने इस समय जो बरसात नहीं लगी, बरसात लगती तो वो कैसे में स्कूल आते, 6-7-8 में पढ़ते हैं वो बच्चे। आपको बता दें कि इस पुलिया से एक दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क कट चुका है। हालांकि डीएम का कहना है कि ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए आपदा मद से इस पुलिया का निर्माण कार्य जल्द से जल्द करवा दिया जाएगा। इसमें भी देखिए, हम लोगों ने संबंधित कार्य संस्था जैसे जिला पंचायत मुझे लगता कार्य संस्था है, तो उनको भी निर्देश दिए हैं कि दैवीय आपदा के अंतर्गत जो भी उनकी परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त होती है तो तत्काल उसका आंकलन प्रस्तुत करेंगे। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि तत्काल उसका आंकलन हमारे पास आ जाए और हम लोग उसमें पैसा रिलीज करते हुए उस पुलिया को बनाने की कार्रवाई करेंगे। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।